हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास चंद्र है और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल आसान विज्ञान पर। दोस्तों, यहाँ पर हम अभी मैथ 10th क्लास मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसका आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्वेश्चन में ये बोला है हमसे, सपोज करो कोई ट्रेन है इस ए पोजीशन से, उसको कहाँ जाना है? बी पर जाना है। नहीं, ए से कहाँ जाना है? बी। और ये जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 360 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो पहले वो ए से बी तक जाता है, कुछ स्पीड होती है ट्रेन की, मान के चलो वो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, एक्स है, एक्स स्पीड से ट्रेन जा रही है। ठीक है। नहीं, तो इसको जाने में कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से लेके बी, मतलब ए से लेके बी तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, मान के चलो वो टाइम क्या है, T1 है। ठीक है। नहीं, तो जब स्पीड क्या थी, एक्स थी, तो ए से बी तक जाने में यानी 360 किलोमीटर कवर करने में इसको टाइम कितना लग रहा है, T1 लग रहा है। ठीक। अब ये तो केस क्या था, फर्स्ट है। इसके बाद अगर हम केस सेकंड की अगर बात करें, तो डिस्टेंस सेम है, ए से बी ही जाना है उसको, यानी कि 360 किलोमीटर ही है डिस्टेंस। पर अभी उसने अपनी स्पीड चेक कर दी है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक। वो कह रहा है कि उसने अपनी जो स्पीड, जो पहले इसकी एक्स थी, जो हमने एक्स मानी है, पहले जो स्पीड थी यानी कि जो एक्स है, उससे स्पीड अब उसने क्या करती है, बढ़ा दिया है। ठीक है। मतलब अब स्पीड कितनी बढ़ गई है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले एक्स थी, तो इसमें 5 और ऐड कर दो। ठीक है। तो ये स्पीड और अब क्या हो गई, बढ़ गई है। अब देखो, स्पीड अगर बढ़ गई है तो जो पहले टाइम ले रहा था ए से बी तक जाने में, अब वो टाइम क्या होगा, अब कम हो जाएगा। जैसे पहले अगर माना 2 घंटे ले रहा था, हो सकता है कि अब इसमें 1.5 घंटे लगे ए से बी तक जाने में। ठीक है। तो अभी जो टाइम लग रहा है यहाँ पर, क्या हमने क्या मान दिया, वो T2 टाइम मान दिया, कि ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। तो उसके बाद उसने T1 और T2 में एक रिलेशन बता दिया है। ठीक है। 1 आवर करके तो निकालना अपने को क्या है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड यानी कि एक्स निकालना है, कौन सी, बोथ स्पीड निकालनी है बोला है, स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाँ, तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि हमें ये एक्स फाइंड करना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं इसको, पहले इस पे मान लेते हैं लेट, द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितना मान दें, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। मान कर चलो उसको ए से बी तक जाने में कितना समय, कितना उसकी स्पीड है, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ट्रेवल 30, डिस्टेंस इतना है, तो हमें क्या करना है, टाइम के रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन, इट वुड बी 1 आवर। ठीक है। तो ए से बी तक जाने में जो समय लग रहा है, ए से बी तक जाने, देखो मैं केस फर्स्ट करके कैसे कर रहा हूँ, केस फर्स्ट, ए से बी तक जाने में जो समय लग रहा है, यानी कि टाइम ट्रैवल, टू कवर 360 किलोमीटर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए से बी तक यानी कि 360 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक हो गया। मतलब टाइम, अगर हम टाइम निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम को मैंने क्या मान दिया वहाँ पर, T1 बोल दिया है। ठीक है। नहीं, और डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको, 360, और स्पीड कितनी, एक्स, फर्स्ट केस में। ठीक है। नहीं, हमने क्या मान दिया कि ए से बी तक जाने में उसकी स्पीड कितनी है, एक्स है, और कितनी डिस्टेंस है, 360। तो
तो ये टाइम निकल गया ए से बी तक जाने में, ठीक है। अब सेकंड केस, सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में हो रहा है कि उसने स्पीड ये कर दी, चेंज कर दी उसने, ठीक है नहीं, उसने स्पीड ये कर दी है चेंज, ठीक है नहीं। तो जब स्पीड अगर चेंज हो गई है तो फिर जब हम टाइम निकालेंगे, व्हेन द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आर मोर, ठीक है नहीं, जब स्पीड हमने क्या कर दी है, बढ़ा दिया है, ठीक है नहीं, तब जो टाइम लगेगा इसमें, टाइम ट्रेवल टू कवर 360 किलोमीटर, फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है नहीं। और इस वाले टाइम को मैंने क्या मान दिया, T2, और डिस्टेंस कितना है इसमें, पहले कितना 360, डिस्टेंस क्या है 360 है, पर अब चेंज क्या हो गया, स्पीड चेंज हो गई, पहले एक्स थी, अब कितनी होगी, x+5, तो ये हो गया x+5, ठीक है। तो T1 और T2, तो वो हम इसके बाद देखो, वो हमसे कह रहा है कि इट वुड हैव टेक 1 आवर, मतलब जब हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो 1 आवर लेस, ठीक है नहीं, मतलब अब जो समय लग रहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो अभी कितना समय लग रहा है, हमने क्या मान दिया उसको T2, और पहले क्या समय लग रहा था T1, ठीक है नहीं। वो कह रहा है अब जो समय लग रहा है और पहले जो समय लग रहा था, तो ये समय पहले वाले समय से क्या है, कम है, और कितना कम है, 1 घंटा इसमें कम है, ये कम है तो इधर माइनस करना है, ठीक है नहीं, समझ रहे हो। नॉर्मली देखोगे जैसे अभी स्पीड कितनी, जैसे माना 60 है, ठीक है नहीं, यहाँ पे आप स्पीड आपने थोड़ा बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर अगर टाइम अगर 1 घंटा लग रहा था, यहाँ पर तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा कम लेगा टाइम, ठीक है, और कितना कम लेगा, 1 घंटा कम, ठीक है। तो अभी जो टाइम ले रहा है और पहले जो टाइम ले रहा था, तो ये वाला टाइम पहले वाले टाइम से क्या कम है, और कितना कम है, 1 घंटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो T2 की वैल्यू कितनी है इसमें, 360, और 360/x+5, और T1 की वैल्यू कितनी है, 360/x-1। अब इसको इधर ले आते हैं, 360/x+5, और जब इधर आएगा तो माइनस का 360/x = -1। कॉमन देख लो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें आ रहा है 360, तो इसमें कॉमन आ ही रहा है, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, तो बाकी क्या बचा है इसमें, 1/x+5 - 1/x = -1, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब देखो ये कैसे हो जाएगा आगे, तो इसमें अंदर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 360 एलसीएम कितना जाएगा इसमें, दोनों को ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, x+5 * x, तो ये x का ये क्रॉस हो जाएगा इधर, इधर x का 1 से x आएगा, और माइनस x+5 था, ठीक है, ऐसे करके, पर जब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या जाएंगे, चेंज, x-5 और इक्वल टू में क्या है, -1। अब देखो इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है, 360 ऊपर क्या बचेगा, (n)-5 अपॉन में क्या बचेगा, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x²+5x = -1, तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 100 ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। और ये है नीचे क्या बचा इसमें, (x²+5x) = -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई हम इस 1 से करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो ये हो जाएगा (x²-5x), माइनस भी है ना, और 1 का उससे करो तो -1800, कुछ इस तरह से ये आ रहा है।
उसके बाद इसमें अब इसको 1800 को हम इस तरफ ले आएंगे, 1800 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा फिर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वालिटी का जाएगा 0, साइन चेंज कर दो सबके, तो ये हो जाएगा इसमें प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा इसमें। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर बन गया है। अब इसके फैक्टर ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना हम लोग, तो फैक्टर ढूंढेंगे इसके, और इसके फैक्टर हैं इसमें, फैक्टर बता दे रहा हूँ मैं इसमें, 45 और 40, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1800 भी आएगा, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, देखो अभी कितना आ गया, देखो अब मैं 5 की जगह में क्या लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 5 की जगह क्या लिखना मुझे, 45 माइनस 40, और बाहर क्या है एक्स है, और माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, 45x और 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन देखो, एक्स कॉमन आ रहा है अंदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 45, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 40 कॉमन आ रहा है, तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 45, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है नहीं, तो फिर से कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस 45 दोनों जगह मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको लेके चलो, वेन एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 45, ठीक है नहीं। आपको पता है स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, तो आप इसको क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, ठीक है नहीं। अब इसको लेके चलो, व्हेन एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 40, ठीक है नहीं, तो ये हमारा सही है, प्लस में वैल्यू है, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड जो हमने मानी थी वो कितनी आ गई, 40, ठीक है नहीं, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है नहीं, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, तो यही इसने हमसे पूछा था, 40 किलोमीटर पर आवर।